हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं केर के बारे में। ये मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है और राजस्थान में तो केर बेस्ट आयुर्वेदिक औषधि के रूप में प्रसिद्ध है और स्थानीय लोग इसका मुख्य उपयोग अचार यानी कि पिकल के रूप में करते हैं और केर का कई प्रकार की जड़ी बूटियों में भी प्रयोग होता है। मेथी दाना, केर और काला नमक, इन तीनों को ही समान मात्रा में मिला करके एक चूर्ण बनाया जाता है जो कॉन्स्टिपेशन में उपयोग में लाया जाता है। कब्ज के अलावा सूखे केरों का चूर्ण, बवासीर, इनडाइजेशन, भूख का स्तर कम होना और अन्य गैस्ट्रिक डिसऑर्डर में काम आता है। इसके अलावा केर में लो ग्लाइसिमिक इंडेक्स और खारापन होने के कारण ये डायबिटीज में भी फायदेमंद है और स्थानीय विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि ये डायबिटीज और पेट की सारी समस्याओं को क्योर करता है। लेकिन दोस्तों, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये शुगर और पाचन संबंधी समस्याओं को क्योर करता है, लेकिन उसमें प्रिवेंशन का काम जरूर करता है यानी कि डील करता है। और दोस्तों, केर की सब्जी भी बनती है जो करेले की तरह इसको मीठा करके बनाई जाती है, ये भी संबंधित समस्याओं में लाभकारी है। लेकिन केर का उपयोग अगर आप फायदे के रूप में लेना चाहते हैं तो सब्जी और इसका चूर्ण ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अचार इसका हेल्दी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा तेल होने से ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाती है और लंबे समय रहने के बाद में ये और भी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है और डाइजेशन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। और दोस्तों, हमने जो केयर के फायदे गिनाए हैं वो आयुर्वेदिक विशेषज्ञों और स्थानीय विशेषज्ञों के शोध पर आधारित है और उनके निजी अनुभव पर आधारित है, क्योंकि दोस्तों अब तक केयर पर कोई वैज्ञानिक शोध नहीं हुआ है, क्योंकि आयुर्वेदिक शोध बहुत विस्तृत है और कई विशेषज्ञ इसमें एकमत हैं। और दोस्तों, भविष्य में कभी केरों के ऊपर साइंटिफिक स्टडी होती है तो इसके फायदे बहुत ही विस्तृत होंगे। और दोस्तों, केर का फायदा लेने के लिए आप भी इसका उपयोग जरूर करें। और ऑफ सीजन में तो सूखे हुए केर काजू और बादाम से भी काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट विदेशों में भी खूब किया जाता है और इसकी डिमांड उत्पादन से कहीं। और दोस्तों, हमने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत सारे आयुर्वेदिक विशेषज्ञों से परामर्श लेने के बाद में दी है। केयर के ऊपर कोई भी वैज्ञानिक शोध नहीं होने के कारण इसकी जानकारी आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगी सिवाय हमारे चैनल के। तो दोस्तों, हमारे इस प्रयास पर आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्राइब तो बनता ही है।